हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक वीडियोकॉन का 14 इंच का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों पहले टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। दोस्तों इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ पावर इंडिकेटर जल जाता है। जलने के बाद जब मैं टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, रिलीज करने के बाद हमारा स्टैंड बाय लाइट बंद हो जाता है और हमारा टीवी पे लाइट भी आ जाता है। लेकिन जो लाइट आ रहा है वो हाई ब्लू होके आ रहा है, क्योंकि मैंने जब मेनू दबाता हूँ, मेनू दबाने से भी हमारा कोई भी लोगो जो होना चाहिए वो लोगो नहीं है। और हमारा जो चैनल दबाता हूँ, चैनल दबाने के बाद भी हमारा कोई भी ए बी दबाने के बाद भी जो ए बी लिखा होना चाहिए ए बी लिखा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ए हाई ब्लू स्क्रीन होके आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं टीवी को ओपन कर लेता है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद 14 इंच का ट्यूब है, इसका बेस योक कॉयल है, ये बेस बोर्ड है, ये मेन पीसीबी है। दोस्तों आज का जो ब्लू हाई ब्लू स्क्रीन का आ रहा है वो हमारा मेन पीसीबी से प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बेस पीसीबी से प्रॉब्लम है। इस बेस पीसीबी पे जो हमारा कलर फिल्टरिंग होना चाहिए, वोल्टेज फिल्टरिंग होना चाहिए, वो वाला सिस्टम हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को पावर देते हैं। पावर देने के बाद मैं टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज कर देने के बाद मैं एक एक चीज़ को पावर को चेक करेंगे। जो हमारा 180 वोल्ट ईएसटी पे बनता है वो 180 वोल्ट आता है हमारा इस वाला पॉइंट पे। इस वाला पॉइंट पे आने के बाद हमारा देखिए 192 दिख रहा है। उसके बाद हमारा ये जो आरजीबी कलर आता है हमारा मेन प्रोसेसर से, वो प्रोसेसर से आने के बाद ये तीनों ट्रांजिस्टर से आईके से कंट्रोल में लेके हमारा कलर को बेस पे हमारा वोल्टेज देता है, जो हमारा निको जो हमारा कलर सेक्शन है, कलर सेक्शन काम करता है। इसीलिए क्या होता है, एक चीज़ के दो जो जो चीज़ होता है वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करवा देता है। जो हमारा 180 वोल्ट इस वाला पॉइंट पे तो आ गया है। आने के बाद हमारा जो तीनों रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये तीनों रेजिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज अप डाउन करके हमारा ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर हमारा कलर को फिल्टरिंग करता है। वो वाला फिल्टरिंग करने के बाद हमारा बेस पे जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये तीनों कलर का हमारा बेस का वोल्टेज दिया गया है। एक तो दोस्तों देखिए इस वाला पॉइंट पे हमारा दिखा रही है 199, और इस पे दिख रहा है हमारा 120, और इस पे दिख रहा है हमारा 2.9 वोल्ट। क्योंकि ये 2.9 वोल्ट दिख रहा है, ये पॉइंट जो 2.9 दिख रहा है ये वोल्टेज होना नहीं चाहिए था। हमारा वोल्टेज होना चाहिए था मिनिमम हमारा जो 120-140 तक हमारा वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो हमारा फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है। जो वोल्टेज आना चाहिए जो ट्रांजिस्टर पे, काला ट्रांजिस्टर पे, वो वोल्टेज पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों पहुंच नहीं पा रहा है, एक चीज़ तो होता है हमारा जो आरजीबी होता है, आरजीबी का तो सिस्टम वोल्टेज दे रहा है। देखिए आरजीबी कैसे वोल्टेज दे रहा है। एक तो हमारा ये 9 वोल्ट का जो पॉइंट होता है, ये देखिए 9 वोल्ट हमारा मीटर पे देखिए 9 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद जो हमारा आर बोल के आ रहा है, ये रेड वाला पॉइंट पे जो 2 वोल्ट दिख रहा है, और ये मिडिल वाला हमारा ग्रीन जी पे हमारा ग्रीन वाला वोल्टेज जो 2 वोल्ट दिख रहा है, और ब्लू पे भी देख लेंगे हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.6 आ रहा है। मतलब हमारा करीब करीब सभी वोल्टेज सही है, लेकिन हमारा जो ये तीनों कलर का वोल्टेज हमारा नेक बेस पे आ जाता है वो वाला वोल्टेज हमारा करीब करीब वोल्टेज नहीं है, वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और ये वोल्टेज तो हमारा पूरी तरह से कम ही हो गया है 2.9। इसीलिए दोस्तों हमारा जो ब्लू पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा ब्लू कलर हाई हो गया है। क्या करेंगे, हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, या हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बेसबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको ओपन कर लिया, देखिए मैं बेसबोर्ड को ओपन कर लिया हूँ। ये जो वोल्टेज का डिफरेंस दे रहा है हमारा आ रहा है ए वाला ट्रांजिस्टर से, या हमारा ए वाला रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का देखिए हमारा ए वाला रेजिस्टेंस हमारा सही दिख रहा है, ए वाला रेजिस्टेंस भी सही दिख रहा है, लेकिन ए वाला रेजिस्टेंस देखिए
हमारा इस पे से हमारा रेजिस्टेंट का जो पॉइंट था वो हट गया है, मतलब ये रेजिस्टेंट टूट गया है। ये रेजिस्टेंट टूटने के कारण ही जो वोल्टेज हमारा 190 वोल्टेज से हमारा जो वोल्टेज देना चाहिए जो ब्लू कलर को, वो वोल्टेज नहीं दे पा रहा है। इसीलिए ये वोल्ट रेजिस्टेंट को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद देखेंगे हमारा ये रेजिस्टेंट क्यों काटा है और ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है या ख़राब हो चुका है। इसलिए क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंट को हटा के नया वाला रेजिस्टेंट लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये पुराना वाला जो रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखा तो ये टूट गया था, इसीलिए मैंने नया वाला एक रेजिस्टेंट लिया हूँ। ये रेजिस्टेंट का नंबर आप लोग शायद देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंट का नंबर है 12K, मतलब 12K। ये वाला रेजिस्टेंट को इस रेजिस्टेंट के बदले में मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट को ओपन करके मैं नया वाला रेजिस्टेंट लगा चुका हूँ और लगाने के बाद इसको कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट कर देने के बाद देखूँगा इसका जो वोल्टेज हमारा काम हो गया था वो वाला वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। दोस्तों इसको चेक करने के लिए मैं पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है, इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज कर देने के बाद इसका जो वोल्टेज डिफरेंस था वो वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जो हमारा इस पे 2.9 दिख रहा था वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज देखिए 83 आ गया है। उसके बाद इस वाला पॉइंट पे देखेंगे हमारा 118 दिख रहा है और इस पे देखेंगे हमारा जो 190 दिख रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज आ चुका है। उस वाला पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज नहीं था वो वाला वोल्टेज आ चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या करूँगा, मैं रिमोट से मैनू दबाऊँगा। दबाने के बाद देखूँगा हमारा जो लोगो है, लोगो आता है कि नहीं। दोस्तों देखिए हमारा मेनू का लोगो आ चुका है, ये देखिए मेनू का लोगो आ चुका है, मतलब हमारा जो टीवी पे जो लोगो का प्रॉब्लम था, जो हाई स्क्रीन था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और इसके बाद मैं ए भी दबाता हूँ। ए भी दबाने के बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए, देखिए पिक्चर तो आ रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई है, रेड वाला हाई है, जो हमारा रेड ज़्यादा हो गया है और हमारा ग्रीन हमारा बहुत ज़्यादा कम है। जो हमारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर तो सही आ गया है लेकिन हमारा ग्रीन कलर कम दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, और भी एक बार चेक करेंगे। जो हमारा ग्रीन कलर जो होता है, ये वाला हमारा दिया है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इस वाला पॉइंट पे ग्रीन कलर हाई है, ग्रीन कलर लो है, मतलब हमारा इस पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। इस पे जो हमारा 91 दिख रहा है, मतलब हमारा 91 नहीं होना चाहिए, मिनिमम हमारा 120 या हमारा 120 तक आना चाहिए। देखिए हमारा पूरी तरह से इस पे जो रेड कलर का पॉइंट है उस पे हमारा 180 वोल्ट दिख रहा है, 108 वोल्ट, और जो ग्रीन ब्लू वाला वोल्टेज है उस पे 107 वोल्ट दिख रहा है। लेकिन हमारा जो ग्रीन वाला जो पॉइंट है, वो ग्रीन वाला पॉइंट पे हमारा 190 दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? एक तो दोस्तों हमारा ये रेजिस्टेंट काट गया था, इसीलिए हमारा ब्लू कलर हाई हो गया था, लेकिन ग्रीन कलर क्यों कम हो गया है इसीलिए क्या करेंगे, इस वाला ग्रीन सेक्शन को चेक करेंगे। ग्रीन पे हमारा 190 वोल्ट हो गया है, जो हमारा मेन वोल्टेज ही हमारा पूरी तरह से आउट हो रहा है, क्योंकि हमारा एक ग्रीन वाला पॉइंट पे मैं जब चेक किया तो हमारा 2.4 दिख रहा है, और हमारा ब्लू पे दिख रहा है 2.4 और हमारा रेड पे दिख रहा है 2.4, मतलब हमारा मेन सेक्शन से सभी तरीके से जो RGB वोल्टेज होता है, RGB वोल्टेज सही दिख रहा है, लेकिन हमारा इस पे 190 आ रहा है। इसके लिए क्या होता है, हमारा जो ये ट्रांजिस्टर होता है या इस पे सपोर्टेड जो रेजिस्टेंस होता है या कुछ हमारा PF दिया गया है और हमारा कुछ जेनर टाइप दिया गया है, वो चीज़ को चेक करना पड़ेगा। नहीं तो ये वाला जो हमारा रेड और ब्लू पे जो पिक्चर दिख रहा है, ये हमारा ग्रीन पे नहीं आएगा और क्लियरनेस जो पिक्चर होना चाहिए वो नहीं आएगा। इसीलिए क्या करते, इस वाला पॉइंट को चेक कर लेते, एक एक पॉइंट को चेक करूँगा तो पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे शॉर्टेज है, जो इसी फिल्ट कलर को फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है और पूरी तरह से ये वाला वोल्टेज हमारा जो इन पॉइंट पे वोल्टेज है, वो वाला वोल्टेज आउट पॉइंट पे भी निकल रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इस वाला रेजिस्टेंस के साथ जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ये ट्रांजिस्टर को चेक कर लेंगे।
दोस्तों मैंने जब चेक किया तो हमारा कोई भी रेजिस्टर हमारा ख़राब नहीं था। हमारा पूरी तरह से जो ग्रीन का इनपुट आउटपुट और हमारा जो आई के से कंट्रोल होके हमारा जो रेजिस्टर दिया गया है वो हमारा सही तरीके से चल रहा है। रेजिस्टर सही है, पीएफ सही है, कुछ भी ख़राब नहीं था। लेकिन ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था, इस ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ फिर भी बता देता हूँ, ये रेजिस्टर ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर नंबर दिखा देता हूँ, इस ट्रांजिस्टर का नंबर C2330 ये वाला ट्रांजिस्टर था। लेकिन ये ट्रांजिस्टर को आप मीटर पे जब चेक करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर सही दिखेगा, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था। इसीलिए मैंने क्या किया, यही नंबर का एक रेजिस्टर लिया, यही नंबर का एक ट्रांजिस्टर लिया, और ट्रांजिस्टर लेने के बाद ये वाला ट्रांजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कर देने के बाद हमारा जो वोल्टेज का मिसिंग का वोल्टेज ज़्यादा हो गया था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए दोस्तों ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर हमारा चेंज कर दिया हूँ, और कर देने के बाद इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद मैं क्या करता हूँ, टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद मैं टीवी को स्टैंड बाई मोड में रिलीज कर दूंगा। रिलीज कर देने के बाद जो इस पे हमारा जो 190 वोल्ट जो हमारे इनपुट पे वोल्टेज था वही आउटपुट पे वोल्टेज आ गया था, वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने चेक किया तो इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, देखिए हमारा 79 हमारा वोल्टेज आ रहा है, और हमारा जो ग्रीन वाला ब्लू वाला है वो ब्लू पे भी 982 आ गया है, और ये जो हमारा ब्लू था वो रेड पे भी हमारा 180 112 वोल्ट आ चुका है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक करीब करीब वोल्टेज आ गया। पहले जो हमारा वोल्टेज का मिसिंग था तो ये वोल्टेज हाई था, ये वोल्टेज जब मैंने ये ट्रांजिस्टर चेंज किया ये ट्रांजिस्टर का वोल्टेज सही हो गया है, 82 आ रहा है, 84 आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारा रेड वाला पॉइंट पे हमारा 85 दिख रहा है, और हमारा ब्लू वाला पॉइंट पे हमारा 106 वोल्ट दिख रहा है। मतलब करीब करीब वोल्टेज सही हो गया है। और देखिए हमारा टीवी पे जो ग्रीन का जो मिसिंग का पिक्चर था, मिसिंग था वो ग्रीन हमारा नहीं था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमारा तीनों कलर सही तरीके से आ रहा है, और हमारा पिक्चर पे जो क्लियरनेस होना चाहिए वो क्लियरनेस भी हो गया है। मतलब दोस्तों ये वाला जो प्रॉब्लम था, एक तो हमारा ब्लू हाई हो गया था इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया, रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा था, और हमारा गेन जो लो हो गया था ये वाला ट्रांजिस्टर चेंज किया, और ट्रांजिस्टर चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टमेटिक जो वोल्टेज आना चाहिए वोल्टेज सही हो गया है, और हमारा टीवी पे पिक्चर भी सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।